दोस्तों आज हम जानेंगे ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के बारे में कुछ ऐसे अनसुने तथ्यों को जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इनकी लंबाई 9 फीट तक हो सकती है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनका वजन 120 से 150 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी आंखें इनके दिमाग से भी बड़ी होती हैं। आंखों के आकार के कारण ही ये आसानी से बहुत दूर से ही शिकारी को देख लेते हैं। ये उड़ नहीं सकते, लेकिन खतरा महसूस करने पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से ये भाग सकते हैं। एक ही छलांग में ये 5 मीटर तक की दूरी कवर कर सकते हैं। इनके 3 पेट होते हैं। इनके शक्तिशाली लंबे पैर भयानक हथियार हो सकते हैं, जो एक इंसान को एक ही किक से जान से मारने में सक्षम होते हैं। शुतुरमुर्ग कई दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं। ये पेट में पहले से उपस्थित भोजन के पानी को अवशोषित करके अपनी पानी की पूर्ति करते हैं। इनमें दांतों का अभाव होता है। ये अपने भोजन को पीसने के लिए छोटे छोटे पत्थरों को निगलते हैं। एक वयस्क शुतुरमुर्ग अपने पेट में लगभग 1 किलोग्राम कंकड़ वहन कर सकता है। एक शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार किसी भी घरेलू मुर्गी के अंडे के आकार का लगभग 20 गुना तक होता है। इनका अंडा लगभग 15 सेंटीमीटर तक लंबा और वजन में लगभग 1.4 किलोग्राम का होता है। ये अंडे 35 से 45 दिनों के बाद हैच होते हैं, अर्थात टूटते हैं। नर शुतुरमुर्ग आमतौर पर अपने बच्चों की रक्षा करता है या उन्हें खाना खिलाना सिखाता है। हालांकि मादा शुतुरमुर्ग भी बच्चों की देखभाल का काम करती है, पर नर की अपेक्षा कम। इनके बच्चों को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ने में सिर्फ 6 महीने का समय लगता है। अगर इनके अंडों को उबाला जाए तो लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। ये गर्म खून वाले पक्षी हैं, जिसका मतलब है कि ये अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्यावरण का क्या तापमान है, ये हमेशा एक ही तापमान पर रहेंगे। ये समूचे विश्व में सिर्फ एक ही जगह अफ्रीकी सवाना में पाए जाते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। वैसे आमतौर पर ये बीज और अनाज ही खाते हैं, लेकिन ये कीड़े और छोटे जानवरों को भी खाते हैं। कभी कभी ये सांपों का शिकार भी करते हैं। इनके पैर में सिर्फ 2 ही उंगलियां पाई जाती हैं, जो इसे अन्य पक्षियों से भिन्न बनाती है। इनमें 8 दिल पाए जाते हैं। नर शुतुरमुर्ग और मादा शुतुरमुर्ग दोनों अलग अलग रंग के होते हैं। नर पक्षी काले और सफेद रंग के होते हैं, जबकि मादाएं भूरे और ब्राउन रंग की होती हैं। रंग के आधार पर इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। नर शुतुरमुर्ग को रूस्टर कहा जाता है और मादा को हैन। शुतुरमुर्ग ड्यूरल चिड़िया है, जो चांदनी रातों में काफी सक्रिय होती है। इनके पास तीव्र दृष्टि होती है, जो इन्हें अंधेरे में सतर्क रहने में मदद करती है। चिकित्सकीय शोध के अनुसार पता चला है कि शुतुरमुर्ग की आंख का कॉर्निया मानव कॉर्निया को प्रतिस्थापित कर सकता है। शुतुरमुर्ग लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इनकी औसतन आयु 50 से 75 वर्ष तक होती है। पिछले 200 वर्षों में जंगली शुतुरमुर्ग की आबादी में काफी हद तक कमी आई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर ही पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।